जब भी आपके जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा एरियों में दर्द रह रहा है, जॉइंट्स में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, आपके घुटने की ग्रीस ख़त्म हो रही हो, जो घुटने की ग्रीस होती है दोस्तों, जो भी जॉइंट होते हैं उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े हो गए तो भी ये दर्द होने लग जाता है बहुत तेज। एक दूसरे से हड्डियाँ घिस जाती हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज घिसने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पहले तो ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती थी, बट ये अब समस्या आम हो गई है। अब ये कम उम्र के लोगों में भी दिख रही है। आज की जो होम रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। एक रामबाण नुस्खा है और ये रिसर्च में भी साबित किया गया है कि ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। जिनको भी घुटने की दर्द है तो घुटने के दर्द में राहत मिलेगी, कार्टिलेज दोबारा से ठीक होने लगेगा, साथ ही साथ आपके घुटने की जो फ्लूइड है वो भी वापस से ठीक होने लगेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला नुस्खा क्या है। पहला नुस्खा में दोस्तों हमें लेना है किसमिस लेना है। किसमिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर हड्डियों में दर्द रह रहा हो, कमजोरियाँ घिस गई हैं, कार्टिलेज, तो वो भी दोबारा से बनेंगी अगर आप इसको लेंगे। यहाँ तक कि जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है किशमिश, साथ ही साथ जिनको खून की कमी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें इसका प्रयोग करना है। और दूसरी चीज़ जो है हमें लेना है अखरोट। अखरोट में बहुत अच्छे तत्व होते हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और यहाँ तक कि रिसर्च में भी माना गया है कि ये हड्डियों के सूजन को ख़त्म करता है, दर्द को ख़त्म करता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है। इसे हमें लेना कैसे है मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। अखरोट में अच्छे मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जिसकी वजह से हमारी हड्डियां तो मजबूत होती हैं, यहाँ तक कि दिल से लेकर दिमाग तक को ये मजबूत बनाता है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं और ये साबित भी किया गया है रिसर्च में कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे सूजन को ठीक करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। यहाँ तक कि जिनको सांस फूलती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करता है। और एंटी एजिंग बढ़ रही हैं स्किन पे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटिक लोग भी इसे ले सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। कितना मात्रा में लेना है, क्या लेना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसको बनाने के लिए एक बर्तन दूध लेना है। जो चाय पीने वाला कप आता है उसी कप से एक कप आपको दूध लेना है और गैस का फ्लेम कर लेना है ऑन। हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है फ्लेम। और दूध में जब हल्का उबाल आ जाए, कच्चा दूध लीजिए और अच्छे से पहले उसमें एक उबाल डाल लीजिए, उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें हमें डालना है, दोनों को मिला लीजिए। लेना कितना है तो किशमिश लेना है आपको 2 चम्मच बड़े चम्मच से, और अखरोट आपको लेना है सिर्फ 2 अखरोट को तोड़ने के बाद जो निकलेगा, 2 अखरोट को ही तोड़िए, उसमें जो जितने भी गिरी होंगे उतने ही लेने हैं। तो दोनों को मिला लीजिए और दूध में अभी डाल दीजिए, दूध में उबाल आ जाए उसके बाद दूध में मिला लें। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसे, हमें एक उबाल देना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जो भी आपके हड्डी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, चुटकी में, ये ठीक करेगा आप इसे अगर सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेने के 2 से 3 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। दोस्तों देखिए अभी इसे हमको छानना नहीं है, हम इसे कप में निकाल लेंगे। 3 मिनट हो गया है। और हमें लेना कैसे है तो हमें ये सुबह सुबह, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह आपको ये चबा चबा कर खा लेना है बैठकर, जो अखरोट किशमिश है। और ये जो दूध है हल्का गुनगुना ही आपको पीना है। आप चाहें, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा शक्कर मिला सकते हैं, पी सकते हैं, या गुड़ मिला सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ना मिलाएं, ऐसे ही पी लें, किशमिश ऐसे ही मीठा होता है। और इसका सेवन आप करें, इसका सेवन कम, आपको फ़र्क 10 से 15 दिन में ही दिखेगा। इसका लगातार आपको सेवन करना है 3 से 4 महीने के लिए,
काफ़ी फ़ायदेमंद है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों में जो रगड़ खाने की वजह से, दो हड्डियाँ जब रगड़ खाती हैं जॉइंट में, तो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन होने लगता है वहाँ पे और दर्द होने लगती है काफ़ी। तो ये सभी चीज़ों को दूर करता है। इसमें एक तत्व होता है लाइनो अल्फ़ा लाइनो लेनी के सीड, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। और यहाँ तक कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों घिस जाने की प्रॉब्लम है, हड्डियाँ टूट जाने की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर उम्र होने के साथ होती है, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सारे दर्द में ये राहत दिलाता है, तो इसका इस्तेमाल करिए। और जो आप कोशिश करिए कि अगर आप रात में सोने जा रहे हैं, अगर सुबह पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो रात में सोने जाने के 15 मिनट पहले भी आप इसे ले सकते हैं। अभी चलिए मैं बता दूं आपको दूसरा नुस्खा क्या है। दूसरा नुस्खा बनाने के लिए हमें एक बर्तन लेना है। बर्तन में हम थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे, पानी गुनगुना ही गर्म करना है, लगभग एक ग्लास पानी। जब गर्म हो जाए तो हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। ग्लास में निकालने के बाद हम यहाँ पर लेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीज मतलब जिसे हम तीसी भी बोलते हैं, इसे हल्का आप रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। भूनने के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें से सिर्फ एक चम्मच, ये पाउडर आप लंबे समय तक रख सकते हैं किसी भी बर्तन में, एक चम्मच, छोटे चम्मच से एक चम्मच, बड़े चम्मच से आधा चम्मच आपको लेना है। पानी में मिला लीजिए। पानी में मिलाने के बाद, पानी गुनगुना ही होना चाहिए पानी, उसमें आपको डालना है एक चुटकी जैतून का नमक। एक चुटकी जैतून का नमक लेना है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे जो हड्डियों में दर्द हैं, जॉइंट पेन है, या फिर शरीर में कहीं भी दर्द है, एरी में दर्द है, वेरिकोज वेन की समस्या है, साइटिका का पेन है, नसों में दर्द है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, सब कुछ को ये ठीक करने में कारगर है। आपको इसे सिर्फ बहुत ही थोड़ा लेना है। कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। एक चुटकी जो ये जैतून नमक है, इसको आप अपने जीभ पे रख लीजिए, हल्का कड़वा लगेगा। और ये जो पानी मैंने बताया बनाना, तीसी वाला पानी, इसको थोड़ा सिप सिप करके उसके बाद पी लीजिए। आपको ये सुबह बिना ब्रश किए खाली पेट ही लेना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपको दर्द में राहत दिलाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच पाए, सभी लोग इसका लाभ उठा सके। अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।